वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 में गुजरात टीम के एक विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिद्धिमान साहा के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 24 अक्टूबर 1984 को सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 38 वर्ष के हैं। रिद्धिमान साहा ने अपने स्कूल की पढ़ाई सिलीगुड़ी हाई स्कूल से कंप्लीट की। और दोस्तों आपको बता दें कि इनका फुल नेम है रिद्धिमान प्रशांत साहा, लेकिन इन्हें आमतौर पर रिद्धिमान साहा के नाम से ही जाना जाता है। वहीं रिद्धिमान साहा बंगाल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। और आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल के फाइनल में शतक बनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा बचपन में एक कार रेसर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इन्होंने अपने सपने को त्याग दिया। इसके बाद इन्होंने अपने कैरियर को क्रिकेट में एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा और क्रिकेट में इस प्रकार यह लीन हो गए कि इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को भी छोड़ दिया। जब रिद्धिमान साहा पार्ट वन में थे तब इन्होंने अपने परीक्षा को ही छोड़ दिया क्योंकि यह क्रिकेट में फोकस करना चाहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा के पिता प्रशांत साहा सिलीगुड़ी लीग में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते थे, लेकिन इन्होंने भी आर्थिक तंगी के कारण अपने कैरियर को जारी नहीं रखा और बीच में ही दोनों खेल को छोड़ दिया और परिवार को चलाने के लिए इन्होंने पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया। रिद्धिमान साहा अपने कैरियर के स्टार्टिंग दिनों में एक मीडियम पेसर बॉलर के रूप में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे, लेकिन इन्होंने बाद में विकेट कीपर के रूप में अपने कैरियर को एस्टेब्लिश किया। रिद्धिमान साहा के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है जब यह रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। रणजी ट्रॉफी में छठे विकेट के लिए इन्होंने 417 रनों के रिकॉर्ड साझेदारी की थी। रिद्धिमान साहा ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर की शुरुआत वर्ष 2007 से की थी और इन्होंने अपने डेब्यू मैच पर ही शतक बनाया था और ऐसा करने वाले यह बंगाल के 15वें प्लेयर थे। फिर रिद्धिमान साहा ने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत वर्ष 2008 से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से की थी। दोस्तों यदि बात करें रिद्धिमान साहा के इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट डेब्यू 6 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया। वहीं इन्होंने वनडे डेब्यू 28 नवंबर 2010 को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में किया। वहीं इनका जर्सी नंबर है नंबर 6। दोस्तों यदि बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि हम मैरिड हैं। इन्होंने रोमी साहा के साथ वर्ष 2011 में शादी रचा ली। वहीं इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है अनवी, जिनका जन्म वर्ष 2013 में हुआ। यदि बात करें रिद्धिमान साहा के फिजिकल स्टैट्स के बारे में तो आपको बता दें कि इनका हाइट है करीब 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच। वहीं इनका वजन है करीब 60 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की तो इनका आई कलर है डार्क ब्राउन, वहीं इनका हेयर कलर है ब्लैक। दोस्तों अब बात करते हैं रिद्धिमान साहा के नेटवर्थ के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 40 करोड़ रुपये। वहीं दोस्तों बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो इनके पास एक ऑडी और एक BMW कार है। तो दोस्तों यह थी रिद्धिमान साहा के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।